नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल न्यूज 24। विक्रमगंज से हमारे संवाददाता धर्मेंद्र कुमार सिंह की रिपोर्ट। वार्ड पार्षद ने 60 परिवारों के बीच बांटा खाद सामग्री। बुधवार को विक्रमगंज के वार्ड संख्या 10 की वार्ड पार्षद लाडली देवी ने दरिया दिल्ली दिखाते हुए अपने वार्ड की गरीब जनता के बीच 60 परिवारों को खाद सामग्री के रूप में चावल, दाल, आलू, साबुन, सैनिटाइजर के अलावे बिस्कुट का वितरण नटवार रोड स्थित अपने आवास पर किया। वार्ड पार्षद पति अभय कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि लॉकडाउन से बंद हुए रोजगार से ठेला चालक, रिक्शा चालक एवं दैनिक मजदूरी करने वाले वैसे लोग जो प्रतिदिन कमा कर अपने परिवारों का भरण पोषण करते थे, वैसे परिवारों की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। लोगों के समक्ष खाद्य सामग्री का संकट उत्पन्न हो गया है। गरीब असहाय एवं निर्धनों के प्रति सहानुभूति जताते हुए विक्रमगंज वार्ड संख्या 10 की वार्ड पार्षद लाडली देवी ने 60 परिवारों को खाद्य सामग्री का वितरण विक्रमगंज में किया। 10 की जनता के बीच आप लोगों के द्वारा गरीब परिवारों को खाद्य सामग्री वितरण किया गया है, क्या उद्देश्य है? उद्देश्य यही है कि भूख से कोई नहीं मरे और साफ रहे, स्वच्छ रहे, कोरोना को फैलाने से मदद करे सरकार को और साथ साथ अपने भी जीवन की रक्षा करें। कोरोना को लेकर आप अपने वार्ड के निवासियों के लिए क्या संदेश दे रहे हैं? हम यही संदेश दे रहे हैं कि जो भूख से नहीं मरे उनको खाने के सामग्री में मैंने चावल, आलू, चना का दाल, साबुन, बिस्कुट के पैकेट यही सब दिया हूँ। कोरोना से बचने के लिए आप क्या बताएं उन लोगों को? कोरोना के बचने के उन लोगों को हमेशा कह के परिवार एक दूसरे को एक मीटर के संख्या में अलग रहें और अगर किसी को घर से बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है वो अपने बचे और साथ साथ अगल बगल के जो हैं उनको भी बचाने की कोशिश करें। से नजदीकी व्यक्तिगत संपर्क अर्थात छूने या हाथ मिलाने से किसी संक्रमित वस्तु या सतह को छूने के बाद बिना हाथ धोए नाक, मुंह एवं आंखों को छूने से फैलता है। इसका सामान्य लक्षण बुखार, खांसी, छींक, सांस लेने में तकलीफ एवं सिर दर्द है। अतः आम जन से अपील है कि कोरोना वायरस प्रभावित क्षेत्रों की यात्रा करने से परहेज करें और कोरोना संक्रमित एवं संदिग्ध व्यक्तियों के संपर्क में आने से बचें, अर्थात संक्रमित एवं संदिग्ध व्यक्तियों से 1 मीटर की दूरी बनाए रखें, बेवजह भीड़ भाड़ वाले स्थलों पर जाने से बचें। बचाव हेतु नियमित तौर पर घर एवं व्यक्तिगत साफ सफाई का ध्यान रखें।